दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और क्या फिर से बाजारों को कोरोना के चलते बंद करने का समय आ गया है, इस बात को लेकर फिर से मंथन किया जा रहा है। दिल्ली सरकार ने एक प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास भेजा है कि क्या बाजारों को अब बंद कर दिया जाए, क्योंकि कोरोना के मामले लगातार काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटे में 3000 से ज्यादा कोरोना के नए केस देखने को मिले हैं, तो वहीं सिर्फ नवंबर के महीने में 1200 से ज्यादा लोगों की मौत दिल्ली में कोरोना से अब तक हो चुकी है। अगर हम आपको बाजारों का हाल दिखाएं तो फिलहाल हम चांदनी चौक की जो मेन मार्केट है उसके भीतर खड़े हुए हैं। आप यहाँ पर तस्वीरें देखिए, आपको जो भीड़ है वो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगी और इससे आप अंदाजा लगाइए कि कोरोना का संक्रमण ऐसी भीड़ में कितना ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि लोग एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। भीड़ को काबू में करने की जो जद्दोजहद जो सरकार है, तमाम एजेंसियां लगी हुई हैं, वो कहीं ना कहीं नाकाम होती हुई दिखाई पड़ती हैं। लेकिन अगर बाजारों को बंद कर दिया जाएगा तो जो व्यापारी लोग हैं उनके ऊपर एक बड़ा दबाव आ जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं पूरे कोरोना काल में इन व्यापारियों को काफ़ी नुकसान हुआ है। त्यौहार के समय पर बाजारों को खोला गया था, ढील दी गई थी, केंद्र सरकार की तरफ से जो तमाम गाइडलाइंस बनाई गई थी उनको फॉलो करते हुए, लेकिन अब लोग प्रिकॉशंस नहीं ले रहे हैं। आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने भी यही कहा कि लोग अब प्रिकॉशंस नहीं ले रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। ऐसे में सरकार मजबूरी में आकर बाजारों में फिर से लॉकडाउन लगा सकती है और इसी के संबंध में एक प्रस्ताव उन्होंने केंद्र के पास भेजा है, उपराज्यपाल के पास भेजा है। हमारे साथ भार्गव जी हैं, ये यहाँ पर व्यापारी मंडल है उसके यहाँ पर प्रेसिडेंट हैं। सर, फिर से बात की जा रही है कि बाजारों को बंद कर दिया जाए क्योंकि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे, मास्क नहीं लगा रहे। ये डिसीजन लेने में थोड़ी देर कर दी इन्होंने, इनको करना चाहिए था, दिवाली टाइम था, इसलिए नहीं किया। मेरे हिसाब से तो जिस तरह से मार्केट की हालत है, मेट्रो की हालत है, ये एक हर्ड कम्युनिटी स्प्रेड की तरफ जा रहा है और बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। कुछ मैंने शुरू में ही इनको एक सजेशन दिया था कि होलसेल एंड रिटेल मार्केट जो कंजेस्टेड मार्केट में, एक दिन होलसेल खोलें, एक दिन रिटेल खोलें, इसलिए डिवाइड हो जाएगा वॉल्यूम और इससे सेफ डिस्टेंसिंग भी हो सकती है। बहुत ज़्यादा क्राउड है दिवाली के बाद, आज आप देखते हैं आज भी कितना क्राउड है यहाँ, तो फिर भी चांदनी चौक में गाड़ियाँ नहीं चल रही, रिक्शा नहीं चल रहे, इस वजह से ट्रैफिक नहीं है, इस वजह से चल सकता है। बाकी आप अगर अंदर गलियों में देखेंगे वहाँ तो हालत और ख़राब है, वहाँ पर तो बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग का कोई मतलब ही नहीं है, इंक्रोचमेंट हो रखी है इतनी। हम पुलिस को, प्रशासन को कह रहे हैं कि इंक्रोचमेंट हो रही है उसको हटाए, दुकानदारों ने जो इंक्रोचमेंट करी है उनको भी हटाए, 6 फुट की गली है 3 फुट की इंक्रोचमेंट कर रखी है, तो सेफ डिस्टेंसिंग के लिए तो प्रशासन को भी आगे बढ़ के सबसे पहले इंक्रोचमेंट्स को हटाना चाहिए, जगह बनानी चाहिए, जितने फुटपाथ हैं और कॉरिडोर जितने भी इंक्रोचमेंट्स ऑन राइट ऑफ वे है सबको हटाना चाहिए, सो दैट पब्लिक को पैदल चलने के लिए कुछ जगह मिल सके। ठीक है, फिर भी चांदनी चौक या सदर बाजार जो पुरानी मार्केट्स हैं जहाँ पर लोग दूर दूर से शॉपिंग के लिए आते हैं, क्या आपको लगता है पर्सनल तौर पर कि ऐसी मार्केट्स में भीड़ पर काबू पाना संभव है सरकारों के लिए, संस्थाओं के लिए? बिल्कुल नहीं है, इसका आंसर यही है, इन्होंने या तो ऑड इवन टाइप जो स्कीम करी थी वो करें, या फिर जिस तरह से एक होलसेल एक दिन खोले, रिटेल एक दिन खोले, क्योंकि मेरा अपना सोचना है कि बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं हो पा रहा, जब तक दवाई नहीं है तब तक तो सुरक्षा करनी पड़ेगी और उसमें इनको कोई ना कोई इशू करना, स्टेप फर्म स्टेप लेना पड़ेगा जिससे कि मार्केट्स में ओवरक्राउडिंग कम हो। अच्छा, लोगों से बात करेंगे, लोगों से जानने की कोशिश करेंगे, क्या लोगों में जो कोरोना का डर है वो अब खत्म हो चुका है? क्योंकि अगर हम देख रहे हैं कि बाजारों में त्यौहार के समय जो भीड़ थी वो त्यौहारों के बाद भी, दिवाली के बाद भी वो भीड़ हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। आप देखिए तस्वीरें, चांदनी चौक की तस्वीरें हैं कि किस तरीके से जो भीड़ है, जो लोगों का हुजूम है वो बाजारों में अभी भी दिखाई दे रहा है। जो बात की जा रही थी कि त्यौहार के बाद भीड़ कम हो जाएगी तो कोरोना के केस कम हो जाएंगे, लेकिन फिलहाल स्थिति उसके उलट दिखाई पड़ रही है। लोगों से बात करेंगे, क्या लोगों के मन में कोरोना का डर खत्म हो गया है जो हम भीड़ अभी बाजारों में देख रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं कह सकता, डर तो डर ही है, मतलब डर तो सबके मन में, तो इसलिए मतलब फिर भी यह है कि फेस मास्क वगैरह या सोशल डिस्टेंसिंग तो फॉलो करें, जो भी हाइजीन मतलब जो भी हाइजीन के मेथड होते हैं उन सबको तो फॉलो करना ही है। सरकार कह रही है कि बाजारों को फिर से बंद कर देना चाहिए क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई है, कोरोना का संक्रमण फैल सकता है। सरकार ने तो कोरोना का डर हटा दिया, जैसे बिहार में इलेक्शन हुआ कोरोना का कोई डर नहीं है, इलेक्शन में मिसिल निकल रहा है कोई डर नहीं है, सरकार ने तो कोरोना हटा दिया, बस में दोषी डाला है, रास्ता में अलाव नहीं है, बाजार खुला है, सब कुछ खुला है, सरकार को दिखाई नहीं दे रहा है। तो यानी बाजारों को अभी खोल के रखना चाहिए, बंद कर देना चाहिए, सिस्टम होना चाहिए। जैसे मेला हो रहा है, एक पापुर में मेला हो रहा है, सब मंदिर खोल रहे हैं, बस खोल रहे हैं, मेट्रो खोल रहे हैं, इलेक्शन और पहले बोलते बाद में मत निकलो, और इलेक्शन में तो मिचिल देखो एकदम कोई ठिकाना नहीं है, जब जीतना है
फेस्टिवल क्राउड जो चल रहा है वो फेस्टिवल क्राउड इस टाइम है, वो लोगों को दिख रहा है, लेकिन जब ईद वगैरह आती है या जो भी आता है उस टॉपिक नहीं आ रहा है। अभी फर्स्ट टाइम तो है नहीं, थोड़ा फेस्टिवल है, इसके बाद डाउन हो जाएगा ये। अभी 2-4 दिन बाद आप देखना ये नज़र नहीं आएगी इतनी भीड़। आगे शादियाँ भी हैं, हम नहीं चाहते कि किसी को उसकी शादियाँ हैं, बुकिंग है, सब कुछ है, लेकिन सरकार के इसके लिए भी तो निवारण करे ना। मेरे घर में खुद शादी है 25 तारीख की, अब एक हुआ था, मेरी बुकिंग है, सब कुछ है, वो कह रहे 50 आदमी आए, कैसे बताओ ये कैसे पहुंच, कार्ड बढ़ चुके हैं कार्ड बढ़ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जो सिस्टम है वो सरकार की तरफ से अच्छे से नहीं बनाया गया, क्योंकि सरकार ने ये तो कह दिया कि अभी तक 200 लोग शादी समारोह में शामिल हो सकते थे, अब सिर्फ 50 लोगों को शादी में शामिल होने की जो परमिशन है वो दी गई है। और ये प्रस्ताव अभी दिल्ली सरकार ने भेजा है, जो LG है, उपराज्यपाल है, केंद्र के जो नुमाइंदे होते हैं दिल्ली में, उनके पास भेजा है। और इसके बाद ये तय होगा कि शादी में 200 लोग शामिल हो पाएंगे या नहीं। लेकिन हमने लोगों से बात की तो मोटी मोटी बात ये निकल के सामने आई कि कोई सिस्टम नहीं है, सरकार जब चाहे आदेश जारी कर देती है, सरकार जब चाहे नियम बना देती है, लेकिन ज़मीनी हालात क्या हैं वो हमने आपको तस्वीरों में दिखाया कि बाजारों में भीड़ काफ़ी ज़्यादा है और इससे जो कोरोना का खतरा है वो बढ़ सकता है, दिल्ली वालों की जान पर इस तरीके की जो तस्वीरें हैं वो काफ़ी भारी पड़ सकती हैं आने वाले समय में। कैमरा पर्सन अशोक चौहान के साथ मानव यादव, TV9 भारतवर्ष, चांदनी चौक, दिल्ली। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।